गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। छात्रा के आत्महत्या हुआ खुलासा। हॉटमिल इंटर कॉलेज की छात्रा ने विषाक्त पदार्थ खाकर की थी खुदकुशी। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर हॉटमिलपुर इंटरमीडिएट कॉलेज में बुधवार को 10वीं की छात्रा ने विषाक्त पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा के पिता ने प्रधानाचार्य के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के हॉटमिलपुर इंटरमीडिएट कॉलेज में बुधवार को 10वीं की छात्रा निक्की यादव 16 ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छात्रा के पिता की तहरीर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। छात्रा के पिता कैलाश यादव ने तहरीर में बताया कि उनकी पुत्री निक्की यादव हॉटमिलपुर इंटर कॉलेज पढ़ने गई थी। उसी दौरान विद्यालय के स्टाफ का फोन आया कि निक्की की हालत खराब है। जब वह विद्यालय पहुंचे तब तक विद्यालय के एक अध्यापक प्राइवेट डॉक्टर के यहां ले जाकर उसका इलाज करा रहे थे। डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए उसे सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया। आनन फानन उसे बाराचवर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बाराचवर से मोहम्मदाबाद CHC ले जाते समय पुत्री ने रास्ते में दम तोड़ दिया। परिवार के लोग छात्रा के पिता कैलाश यादव ने आरोप लगाया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर फिलिक्स राज की वजह से उनकी पुत्री ने ये कदम उठाया है। छात्रा की मां शीला यादव ने बताया कि पुत्री को बार बार प्रधानाचार्य कक्षा के बाहर निकाल देते थे, उसे स्कूल आने से मना कर दिया जाता था। इस संबंध में करीमुद्दीनपुर थानाध्यक्ष विश्वनाथ यादव ने बताया कि प्रधानाचार्य फादर फिलिक्स राज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। देर शाम मोहम्मदाबाद CO हितेंद्र और SP ग्रामीण बलमवत चौधरी थाने पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। जब इस मामले के विषय में गाजीपुर SP ओमवीर सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से विवेचना चल रही है। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? खुशी है। आप उस स्कूल में की छात्रा है, हटमनपुर की, आपकी बहन है वो। क्या हुआ है मामला, किस चीज को लेकर प्रतापित करते थे आपके फादर बच्ची को? बहुत देखकर उसको जरते थे दम। किस लिए? एक बार ना मम्मी वो बोले ना कि पीबी के फादर वो एडमिशन नहीं किए, तो वो कहे कि मम्मी बोले कि कर दे, तो पूछे ना तो हो गया था, इसीलिए हमेशा परेशान कर। आपका परिचय? मेरा परिचय कैलाश नाथ यादव, ग्राम नसीबपुर पोस्ट हटमनपुर जिला गाजीपुर। आपकी बच्ची के साथ स्कूल में क्या हुआ, किस तरह की घटना हुई है? हमारे बच्ची को टॉर्चर करता था ये जो फिलिप्स राज फादर है, हर 10 दिन पर, हफ्ते दिन पर डांस का प्रोग्राम करता था जिसमें लड़कियों के साथ नाचता था। इस चीज को हमारी लड़की बर्दाश्त नहीं करती थी। उस डांस प्रोग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर ये बच्चियों के साथ अश्लीलता करता था, चूँकि बच्ची हमारी इसके लिए तैयार नहीं होती थी। उसी का मतलब वो करके उसको टॉर्चर करता रहता था। उसी सिस्टम में हमारी बच्ची को ये दिन देखना पड़ा है। इसको या तो जहरीला पदार्थ साजिश के तहत खिलाया गया है इन्हीं लोगों के द्वारा, और इस तरह का वो हुआ है। जो भी है अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। पुलिस जाँच कर रही है? जी हाँ, पुलिस FIR वगैरह हमने दिया है। अब आगे क्या होगा इसको देखना।